नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्राथमिक अध्यापकों की भर्ती की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आज सुबह ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों से मैंने बताया था कि बहुत तेज़ी से कार्य हो रहा है और जो 69,000 शिक्षक भर्ती के शेष रिक्त पद हैं, लगभग 6,000 से 7,000 रिक्त पद हैं, उनकी जो चयन सूची है वो बहुत जल्द जारी होगी। फाइनली इसके बारे में पूरी समय सारणी जारी कर दी गई है कि किस दिन ये सूची जारी होगी, किस दिन विद्यार्थियों की काउंसलिंग होगी, किस दिन नियुक्ति होगी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए 30 जो मेरिट लिस्ट है वो 26 जून को आ जाएगी। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है 30 जून को नियुक्ति पत्र भी इन विद्यार्थियों को जारी कर दिया जाएगा। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 69,000 सहायक अध्यापकों को लेकर के निर्देश दिए गए हैं। रिक्त पदों अनुसूचित जनजाति के पदों पर भर्ती होगी। जो ST के जो पद रिक्त रह गए थे वहाँ पर ST के विद्यार्थियों को मौका दिया गया है। और लिखा भर्ती प्रक्रिया को लेकर के तिथियाँ जारी कर दी गई हैं। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पर ये प्रक्रिया पूरी होगी। और आवंटन की जो सूची है वो 26 तारीख को, अभिलेखों का परिचय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 28 से 29 जून को होगा। और 30 जून को इन विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। कुल मिलाकर के इसी माह जो रिक्त पदों पर भर्ती है वो उसकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। यहाँ पर ये देखिए शासनादेश भी है, ये जारी कर दिया गया 26 तारीख, 28 से 29 और 30 तारीख। और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है 30 जून को इन विद्यार्थियों को जो है वो नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। कट ऑफ कितना जाएगा क्या नहीं जाएगा ये तो अब ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, आपको अगले हफ्ते जानकारी मिली जाएगी जब मेरिट लिस्ट जारी होगी। हालांकि जो SC विद्यार्थी हैं, तो जो अनुसूचित जाति के विद्यार्थी हैं उनकी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा नीचे जा सकती है, वो कम से कम 2 गुणांक नीचे जा सकती है। और जो OBC के छात्र हैं उनका 1 गुणांक और जो समान वर्ग के विद्यार्थी हैं उनका 0.5 में या लगभग 1 OBC के बराबर रह सकती है। तो जिन छात्रों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।